हेलो स्टूडेंट, मैं अजय सर और मेरे चैनल का नाम है अजय ट्यूटोरियल। मैं कर रहा हूँ आपकी मुश्किलें आसान, क्योंकि मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को। फिज़िक्स में आने वाले डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। स्पेशली ये महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए है, सिलेबस की बुक फॉलो की गई है। तो आज का टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम पढ़ने वाले हैं और उसको प्रूव भी करने वाले हो, क्या होता है और कैसे होता है ये भी। और कुछ अगर समय थोड़ा कम लगा तो लास्ट में उसका एक एग्जांपल भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़्यादा बातें कर रहा हूँ इन सभी वीडियो में, छोटे छोटे वीडियोज में, क्योंकि एग्जाम में बहुत कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट आपको पता है कि सर ने बोला है इंपॉर्टेंट है, बट आपको वो डिफ़िकल्टी हो रही है समझने के लिए। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेरे जितना भी मैं कर सकता हूँ ट्राई, कि वो इजी से इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाए। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर एग्ज़ाम में आता है तो उसका एक क्वेश्चन हो सकता है, आप स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों भी आ सकता है, सिंगल स्टेटमेंट भी आ सकता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, कैसे लिखना है, क्या है उसका मीनिंग, वो बताता हूँ। तो आज का, जैसे कि मैंने बताया कि कंजर्वेशन लॉ हम लोग पढ़ने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट। अब इसका स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट में हमको क्या लिखना है समझना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, राइट। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है वो भी समझना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है सेपरेटेड, मतलब उसमें कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं, मतलब उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, कोई और चीज़ इंटरफेयर नहीं कर रही है बीच में, इसका सीधा सा मतलब ये होता है, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इज कंजर्व्ड। अब यहाँ पे एक बार स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता हूँ। चलो देखो, ये जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है ना, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, ये फॉर्मूला है। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। तो इसमें बोला जा रहा है कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क कोई भी अप्लाई नहीं हुआ, यहाँ पर बाहर से कोई भी फोर्स जिस जो कि बॉडी को रोटेट कर रहा है वो अप्लाई नहीं होता है, बीच में बॉडी को डिस्टर्ब नहीं करता है, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम है, तो उस केस में ये वैल्यू क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब नो टॉर्क, मतलब टॉर्क जीरो होगा। कब जीरो होगा, जब एल कांस्टेंट होगा, ये प्रूव करना हमको, राइट। एल कांस्टेंट होगा वहां पे, ठीक है। तो यहां पे टॉर्क जीरो अगर प्रूव कर देते हैं, और वो किस केस में होगा, एल कांस्टेंट होगा तो ही, राइट। ये इसलिए मैं ये स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, एल कांस्टेंट होगा तो टॉर्क जीरो होगा, क्योंकि जब हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं तो प्रूफ करते समय ये स्टेटमेंट ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा गया है बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब ऐसी कोई बॉडी है जो रोटेट कर रही है या फिर रोटेट करने वाली है, उस केस में एक्सटर्नल टॉर्क कोई अप्लाई नहीं हो रहा है और बॉडी रोटेट कर रही, तो उस केस में उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। कंजर्व का मतलब होता है सेम होगा जब तक उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई नहीं होता है। इसका मतलब सीधा सा है, हमने लीनियर मोमेंटम का भी कंजर्वेशन लॉ पढ़ा हुआ है। चलो इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ तो बहुत ईजी है, इसका सिंपल सा प्रूफ है, देखते हैं हम लोग फटाफट स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्टिंग पॉइंट भी याद रखो, मतलब इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है सर, पहले का कुछ भी नहीं जानते हम लोग, कैसे कर पाएंगे। तो बहुत ही सिंपली मैं बता रहा हूँ, स्टेटमेंट बाय हार्ट कर लो और थोड़ा सा समझ के करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, कम एफर्ट में बाय हार्ट होने वाला है। तो इसका स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा हमारा कि एल, और मतलब एल एंगुलर मोमेंटम, ये डिस्प्ले थोड़ा सा लगता है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये देखो थोड़ा सा नीचे करता हूँ मैं, हाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ, राइट। हमको स्टार्ट करना है, सिंस एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। आप जानते हो वेक्टर में एल क्या है, वेक्टर फॉर्म का मीनिंग क्या होता है, हमको डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। हम पी क्रॉस आर नहीं लिख सकते, हमको आर क्रॉस पी ही लिखना है, मतलब ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है। अब इसमें हमको लास्ट में क्या प्रूफ करना है, एल यहाँ पे क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे चेंज नहीं होता है जब तक कि इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई नहीं, मतलब एल कांस्टेंट है तब तक, कब तक, जब कि टॉर्क अप्लाई नहीं होता है। ये सीधा सा ये स्टेटमेंट मैं हमेशा ये बनाता हूँ, रीज़न ये हमको हेल्प करने वाला लास्ट में समझने के लिए चीज़ को।
ये डेरिवेशन बहुत ही छोटा सा, हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं मतलब डी बाई डी टी हमको लगाना है सब में। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हम तो मैथ्स लिए नहीं, डिफ्रेंशिएशन जानते नहीं, तो ज़रूरत नहीं है जानने की। जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही अगर तुम समझ जाते हो, वही याद रखते हो, तो तुम्हारा काम हो जाने वाला है। अभी देखो डी बाई डी टी मतलब डिफ्रेंशिएशन हम लोग ले रहे हैं, डी बाई डी एक्स लिखा जाता है जनरली, राइट। डी बाई डी टी हमको हर जगह पर लगाना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड का कर रहे हैं हम लोग। ओके हाँ, ऐसा लिख दिया। देखो हमने क्या किया, इसमें d बाई डी टी लगाया और ये वाले स्टेटमेंट में d बाई डी टी अप्लाई किया। अब फॉर्मूलेज अप्लाई करने कुछ रूल्स है, u इंटू वी रूल्स हम लोग अप्लाई करेंगे, राइट। u इंटू वी रूल क्या होता है, एक सिंपल सा मैं बता देता हूँ जो नॉन मैथ्स है उन लोगों के लिए। सपोज डेरिवेटिव ले रहे हैं हम लोग जनरली किसी भी दो फंक्शन का, तो इस केस में हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले u dv बाई डी टी मतलब एक टर्म v वाले टर्म का, दूसरे वाले टर्म का डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट वाले को बाहर रखना है प्लस। और इसमें क्या करना है, अब इसका उल्टा, जैसे ऊपर वाले में हमने v का डेरिवेटिव लिया था, अब v को बाहर रखेंगे और u का डेरिवेटिव लेंगे। u क्या है, u और v क्या है, फंक्शन है। तो ऐसे हमारे पास दो अलग अलग वर्ड कौन से हैं, r u हो गया और ये v हो गया। सिंपल सा मैं तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको लिख देता हूं, u और इसको v। चलो अप्लाई करते हैं फटाफट। इसमें v को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, राइट। u को पहले बाहर लिखो, u मतलब r, तो r क्रॉस, क्रॉस लगाना है यहाँ पे, ओके। d बाई डी टी ऑफ p, ये हो गया ये वाला, ये स्टेटमेंट, ओके। प्लस, ये एक साथ आ गया। अभी प्लस करके क्या कर रहा हूँ मैं, ये एक का डेरिवेटिव लेना है, लेकिन फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, इसमें ऑर्डर फॉलो करना, मेथड वही रहेगा, फार्मूला यही अप्लाई हो रहा है। ऑर्डर सिर्फ फॉलो करने का मतलब क्या होता है, हम लोग को इसमें क्या करना है, आर का डेरिवेटिव लेना है। तो आर का डेरिवेटिव को मैं पहले लिखूंगा, डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी। देखो वी वाला अभी भी बाहर ही है, लेकिन राइट साइड चेंज, राइट साइड लिख दिया मैंने। ये क्यों लिखा, ऑर्डर फॉलो करने के लिए, क्योंकि हम लोग वेक्टर क्वांटिटी सॉल्व कर रहे हैं, ओके। पी क्या है, लीनियर मोमेंटम, आर क्या है, पोजिशन वैक्टर या फिर डिस्टेंस बोल सकते हो, और एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम। ये याद रखना, बहुत ही सिंपल है प्रूफ करना, ओके। हमको क्या प्रूफ करना है, फिर से मैं इस पे हिट करता हूँ, अगर टॉर्क जीरो कब होगा, जब एल कांस्टेंट होगा, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आर क्रॉस, तो आर का तो कुछ नहीं हो सकता अभी, डी पी अपॉन डी टी, चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंट, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज फोर्स। अगर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का बेसिक स्टेटमेंट आपको याद होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स और फोर्स एग्जर्टेड बाय द बॉडी। इसलिए मैंने ये न्यूटन्स, ये इसको रिप्लेस किया डी पी मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, और दूसरे में क्या आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर दैट इज लीनियर वेलोसिटी इनटू क्रॉस पी। वेरी गुड। देखो आर क्रॉस एफ क्या होता है, टॉर्क होता है, अगर नहीं पता है तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ दिए हुए टर्म्स वो सीख लेना। तो आर क्रॉस ये ब्रैकेट को रिप्लेस करके मैंने लिखा टॉर्क, ओके। वी क्रॉस पी मतलब अब इसको थोड़ा सा बाइफर्केट करता हूँ, मैं ऐसे फैक्टराइज करता हूँ, मास इनटू वेलोसिटी होता है लीनियर मोमेंटम, मास तो वेक्टर नहीं है तो बार नहीं लगाना उसके ऊपर, ओके। अभी वी वी देखो एम को अगर मैं बाहर ले लेता हूँ, तो वी क्रॉस वी मतलब सेम टाइप के वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते तो वो जीरो होता है। क्यों, क्योंकि इसमें फॉर्मूला तुमको याद होगा, वी क्रॉस वी साइन थीटा होगा इसका फॉर्मूला, राइट। और साइन थीटा क्या होगा, थीटा यहाँ पे जीरो होता है, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो इसीलिए कम्प्लीटली क्या हो गया, जीरो ये स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये कैसे जीरो आया ये मैंने बताया, तो अब यहाँ पे ये पूरा टर्म हमारा जीरो हो जाता है, मतलब ये पूरा टर्म निकल जाता है, जीरो हो जाता है। तो क्या बचता है, टॉर्क। तो डी एल बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू टॉर्क पे डिपेंड हो गया। अब हमने क्या बोला, नो टॉर्क इफ टॉर्क अप्लाइड, नो टॉर्क अप्लाइड, इसे इसमें कंडीशन है स्टेटमेंट की, टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा है, तो नो टॉर्क अप्लाइड ऑन द बॉडी, एक्सटर्नल टॉर्क भी बोल सकते हम लोग, नो टॉर्क अप्लाइड ऑन द बॉडी, सो वी कैन से दैट टॉर्क जीरो है यहाँ पे, सो डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। अब ये कोई भी चीज़ भाई
किसी का भी डेरिवेटिव जीरो कब होता है पता है, जब वो क्वांटिटी या क्या होती है कांस्टेंट होती है। तो याद रखना किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। तो हम मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ L इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमने जो स्टेटमेंट प्रूव करना था, स्टेटमेंट क्या था, ये था कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड एब्सेंट होता है, ऐसा समझ लो एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक, सॉरी इलेक्ट्रिक क्या, एक्सटर्नल टॉर्क, एब्सेंट ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, उस टाइम पे क्या होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड का मतलब सेम होता है, राइट, कांस्टेंट होता है। तो हमने स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया, बहुत ही सिंपली प्रूव किया है। स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना, उसका डिफरेंशिएशन लेना, यू इनटू वी रूल अप्लाई करना, फिर क्या न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज फोर्स एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर इज वेलोसिटी। जैसे ही आता है ऐसा, हमने वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या लिया है, जीरो, क्योंकि जीरो ही होगा सेम टाइप का क्वांटिटी को अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि एंगल जीरो होता है वो लोग के बीच में। ओके, टॉर्क आ गया हमारा आर क्रॉस एफ का फॉर्मूला, टॉर्क होता है हमने डायरेक्टली डी एल बाई डी टी। अब लास्ट में क्या कंसिडर किया, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट और कंडीशन नो टॉर्क शुड बी अप्लाइड ऑन द बॉडी। ओके, सो देयरफॉर टॉर्क इज जीरो। इफ टॉर्क इज जीरो मीन्स दिस डिफरेंशिएशन विल बी जीरो व्हेन एल इज कॉन्स्टेंट। तो हैंस प्रूव्ड, हमने जो प्रूव करना था वो प्रूव कर लिया, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, एक बार चाहिए तो आप यहाँ से भी नोट्स लिख सकते हो, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना L क्या है, R क्या है, P क्या है, राइट, और लिख देना, पूरा पूरा मार्क्स मिल जाएगा। देखो यहाँ तक तुमको लिखना है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा हो सकता है टाइम लगेगा। L का फॉर्मूला होता है I इंटू ओमेगा, और कंजर्वेशन लॉ में हमको ये सिखाया जा रहा है कि ये जो L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा, L कांस्टेंट होता है। L कांस्टेंट होगा तो आपको पता है ये कैसे रिलेट हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर इनर्शिया इंक्रीज होगा, इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr square होता है इनर्शिया, राइट, इनर्शिया mr square होता है, मतलब मास तो बॉडी का चेंज नहीं होगा अचानक से, तो ये डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस। अब ये डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस, सपोज एक बैलेट डांसर का एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है, एक बैलेट डांसर होती है, बैलेट डांसर अपने आर्म्स स्ट्रेच करती है जिस समय पे, मतलब वो डांस करना होता है, अभी मैं एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ लास्ट में आर्म्स, तो ये कॉन्सेप्ट को आप उसमें देखना कि क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखो, ये आर्म स्ट्रेच किया थोड़ा सा, आर्म स्ट्रेच करने के बाद में इनकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। अब इसका रीज़न यहाँ से दिखता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, मतलब जो अपोजिशनल फोर्स है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे दिख रहा है सीधा सीधा। दूसरा, अगर इसको स्पीड अपनी बढ़ानी है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बढ़ाना है, तो ये आर्म्स को स्ट्रेच करके अपने बॉडी के जितना नज़दीक हो सकता उतना नज़दीक लाते हैं बैले डांसर। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी, और इस केस में क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज़ ये है। अब एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा, फटाफट देख लीजिए, और उसके बाद हम लोग वीडियो का एंड करेंगे, और अपने फ्रेंड्स को भी सबको शेयर कीजिए ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। अगर ऑन डिमांड भी मैं वीडियोज बना रहा हूँ, अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, क्योंकि मैं नहीं जानता किसको क्या डिफिकल्टी है, तो आप कमेंट करोगे तो मैं वो चीज़ आपके लिए बना के इस पर अपलोड कर सकता हूँ। चलो एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, क्लिप दिखाता हूँ बैलेट डांसर। YouTube पे ये वीडियो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, मतलब कॉपीराइट्स ये सब का टेंशन, छोटा सा मतलब आप क्लियर हो जाए कि क्या मैं बोल रहा था अभी बैले डांसर के बारे में, राइट, इससे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं दिखा सकता इसको। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।